महाशिवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं दिखाऊंगा आपको कि हम सब अपने घर में महाशिवरात्रि कैसे मनाते हैं। सबसे पहले तो हम सुबह उठे और आ गए नहा धो के पूजा करके मंदिर की ओर। यहाँ पर आके हमने बेलपत्र और जो भी सामग्री हम लोग चढ़ाते हैं शिव जी को शिवलिंग पर, वो हम खरीदते हैं। फिर हमने ख़रीदा दूध का पैकेट, क्योंकि शिव जी को दूध भी चढ़ाया जाता है आज के दिन। उसको ख़रीदने के बाद फाइनली हम एंटर करते हैं मंदिर के अंदर। ये मेरी मम्मी आगे आगे चल रही हैं। आज का व्लॉग मैं मम्मी को ही पूरी तरह कवर करूँगा, क्योंकि वीडियो मैं बना रहा हूँ, सो उनको मैं दिखाऊँगा। इस मंदिर में हम कई सालों से आ रहे हैं महाशिवरात्रि के दिन पूजा करने। इस मंदिर में वैसे काफ़ी भीड़ होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अंदर जाके हमें पता चला कि अभी इस साल ये मंदिर और इसका स्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं इन लोग। जैसा कि देख सकते हैं आप सब, मैं वेट कर रहा हूँ अपनी बारी का। इतने ढेर सारे लोग आए थे कि आप ये सोच ले कि आप अकेले खड़े होकर पूजा कर ले, वो तो पॉसिबल ही नहीं है इस समय। महाशिवरात्रि बहुत ही बड़ा पर्व होता है हमारे देश में। हिंदुओं के लिए एक बहुत ही ज़्यादा पावन दिवस है ये। तो इस दिन काफ़ी ढेर सारे श्रद्धालु आते हैं हर मंदिर में शिव जी के। पूरे देश भर में पूजा होती है और आप देख सकते हैं इस जगह पर भीड़ कितनी ज़्यादा है, पैर तक रखने की जगह नहीं मिल रही है। मंदिर के बाहर भंडारे की प्रिपरेशन चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूड़ी तली जा रही है बड़े बड़े बर्तनों में। यहाँ पर मम्मी भंडारे का प्रसाद ले रही हैं। मम्मी को भंडारे का प्रसाद खाना बहुत पसंद है, क्योंकि बहुत टेस्टी होता है हर साल की तरह। सो मंदिर से निकलने के बाद हम गए मार्केट में थोड़ा बहुत फल लेने, भगवान को चढ़ाने के लिए भी, और थोड़ा बहुत व्रत के बाद खाने के लिए। मैंने तो व्रत रखा हुआ है। आई नो वैसे व्रत वाले लोग भी प्रसाद खा सकते हैं, सेंधा नमक से बना होता है, बट मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं जब व्रत रखूँ तो मैं पूरा फलहार में ही व्रत रखूँ। मैं सिर्फ फल खाता हूँ, और मैं शाम को भी व्रत जब तोड़ूंगा तब भी मैं फल ही खाऊंगा, मैं कोई अन्न नहीं लूंगा। महाशिवरात्रि के ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।